ममता बनर्जी के बयान के बाद सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया है। शिवराज सिंह चौहान ने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा तुष्टिकरण को टीएमसी की खुराक पानी बताया। उन्होंने कहा कि ममता ने कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये आपको बताते हुए, बंगाल में जिस तरह से सियासी संग्राम मुस्लिम आरक्षण को लेकर छिड़ा हुआ है, ममता बनर्जी के बयान के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। तुष्टिकरण ही कांग्रेस की, टीएमसी जैसी पार्टियों की खुराक और खाद पानी है। तुष्टिकरण के बिना ये पार्टियां एक दिन भी चल नहीं सकती। और इस बीच पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में हिंसा हुई है। चुनाव से पहले बंगाल में एक बार फिर से बवाल हुआ है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई है। महिला की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। हंगामा करने वाले कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। चुनाव आयोग ने हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी है। हिंसा आगजनी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, नंदीग्राम में, पश्चिम बंगाल में किस तरह से ये पूरा बीजेपी और टीएमसी के बीच में बवाल हुआ। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? चादर आंखों पर पसरी है। इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल की नियति भी कहा जा सकता है क्योंकि चुनाव चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, लेकिन चुनाव से पहले और बाद की तस्वीर यही होती है, हिंसक और आक्रामक। इस बार हिंसा का केंद्र बना है पूर्वी मेदिनीपुर का नंदीग्राम, जो अतीत के पन्नों ने सियासत की आग में कई बार झुलस चुका है। लेकिन अब एक बार फिर नंदीग्राम की मौजूदा तस्वीर देख लीजिए, जहां सोना चूड़ा इलाके में बुधवार देर रात बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच पहले तो जमकर झड़प हुई, उसके बाद झड़प हिंसा में तब्दील हो गई। नंदीग्राम में हुई हिंसा इस कदर बढ़ गई है कि इस हिंसा में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की जान चली गई, जिसका आरोप लगा टीएमसी पर। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। उधर टीएमसी इस मामले में लगे आरोपों को सिरे से नकार रही है और बीजेपी पर पलटवार कर रही है। पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में चुनाव आयोग ने नंदीग्राम पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है।